अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जनाब नीला संध जगह का नाम है, यहाँ पे आए हुए हैं। तकरीबन पिंडी से एक घंटे की ड्राइव है, कोटली सतियाँ के आधे रास्ते में ये जनाब आती है आबशार। तो अभी अक्टूबर है, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। नीचे भी पानी है, नीचे भी कर सकते हैं विज़िट। आपको थोड़ा ड्राइव भी दिखाएंगे, कितना रास्ता है या कैसे रास्ते में सीन आएंगे, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। चलते 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 हैं ऊपर की तरफ पहाड़ की, और यहाँ पे पिकनिक पॉइंट भी है, रेस्टोरेंट भी बना है। ये अभी यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा और आपको व्यू ऊपर से भी मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ से ये कोटली सतियाँ का इलाका, इसको समझ लें तो ये टूरिस्ट कैटेगरी में शुमार हो गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो ये उसमें ही शामिल है। यहाँ से ज़रा व्यू चेक करते हैं कि कैसा नज़र आएगा। ये देखें, और इसी तरह चलते चलते ड्राइव भी आपको दिखाते हैं कि कैसी होगी। बाइक टूर, व्यूवर्स ये जनाब नीला सिंधा जगह है, और यहाँ से जनाब हम निकल रहे हैं कोटली सतिया के आधे रास्ते में, और इधर जनाब पर्ची के ऊपर बहस हो गई कि जी पर्ची प्राइवेट है पार्किंग, तो उसकी आप पर्ची दें। अगर प्राइवेट पर्ची है तो उसका तो इन्हें करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए बाहर के भाई ये प्राइवेट है, अंदर जो गाड़ी खड़े करेगा बाइक खड़ी करेगा उसे हम पर्ची लेंगे, ठीक है। और वो भी वो बंदा वाजिया लिखें कि जो बंदा जाएगा खाने के लिए उससे पर्ची नहीं लेंगे, और जो बंदा आबशार की तरफ जाएगा इनके रास्ते से बनाए हुए रास्ते से गुजर के तो वो पर्ची लेंगे। तो ये जनाब इन्होंने बनाया यहाँ पर सिस्टम मरी वाला, यानी कि लोग ये इन्होंने न्यू डेस्टिनेशन पंजाब अथॉरिटी ने फॉरेस्ट की तैयार की है कि यहाँ पे लोग आएँ, इन्होंने पहले ही दौड़ाने का सिस्टम तैयार कर लिया, जबकि पार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं। बाहर सड़क भरी पड़ी है, जिधर मर्जी या साइडों पर खड़ी कर लो, कोई पैसे नहीं है। तो बाकी आप ये रूट चेक करें, ये आपको ले कर जा रहे हैं रास्ता वगैरह। हाँ भाई पसंद आई है जगह? हाँ व्यूअर्स, आपको ये रास्ता अभी मैं चेक करा रहा हूँ, मैंने कहा कि आप इसको, और ये वीडियो फ्री है, आप कोई भी अपने लिए यूज़ कर सकता है इसको, तकरीबन आधी वीडियो भी आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी टूर में, अगर इसे आप शामिल करना चाहते हैं वीडियो को, क्योंकि ये कॉमन क्रिएटिव कॉपीराइट फ्री वीडियो हमारे चैनल पर होती है,
आपको कोई भी इस तरह की टूरिस्ट प्लेस की वीडियो या कोई भी इस तरह की वीडियो मिलती है जिसपे फ्री या कॉपीराइट फ्री या जिसके नीचे कॉमन क्रिएटिव लिखा होता है लाइसेंस, आप ये वीडियो हमारी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना कॉपीराइट क्लेम आपको आएगा और ना ही आपसे आपको यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम होगी, ये बिल्कुल आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये सीन है और अभी ये रोड्स वगैरह भी यहाँ पे बन रहे हैं, ये पहले कच्चे रोड होते थे आज से कुछ 10-12 साल पहले, तो मैं भी इसीलिए आया था, मैंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट प्लेस करार दे दिया है, हम भी जा कर थोड़ा विज़िट करें। बाइक के ऊपर उधर से खुला खुला लगता है एरिया काफ़ी, और मज़ा भी आता है, हवा हवा भी ठंडी लग रही है। इस एरिया में थोड़ी ठंडक शुरू हो गई है, ये अक्टूबर है, अब इसी तरह जैसे ही मैं पिंडी में जाऊंगा तो मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब ये नीला सिंध है कि सिंध जगह है, इधर से लेक है, ये जो आबशार है यहाँ से लेक है तो कोटी सत्तियाँ जहाँ से स्टार्ट होता है उधर तक का पूरा टूर आपको करवाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे रोड है। मज़ा आया था पानी में, ठंडा था पानी गर्म, हाय अल्लाह, पानी भी बहुत ठंडा था, लोग नहा रहे भी थे आपने देखा है। ये थोड़ा दूर भी आप देख लें, बादल शादल भी आ रहे हैं, शायद मौसम बदल हो जाए, ठंडक हो जाए ठंडी में। अक्टूबर की आज 5 तारीख है और लोग क्लोज हैं सारे, हम इसलिए यहाँ पे आ गए थे, इमरान खान का वो क्या नाम है जलसा है, वो 2 दिन से इंटरनेट बंद किया हुआ है, सब कुछ बंद है, कंटेनर लगाए हुए हैं, लेकिन ये रास्ता क्लियर था, या कुछ कंटेनर में से हम निकल भी आए थे बच्चे की जिद पे कि चलो जिधर चले।
ये जनाब ज़िला रावलपिंडी यहाँ से शुरू होता था, ख़त्म हो गया, अब ये इस्लामाबाद में हम इंटर हो गए। ये एरिया इस्लामाबाद में आता है। एरिया काफ़ी ग्रीन है यहाँ पे सारा, लेकिन लोगों के घर का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि आगे क्या बनाएंगे। ये असल में मरी के साथ ही ये नज़दीक तरीन एरिया ही गिने जाते हैं, तो असर है उन लोगों का यहाँ पर। ये आए वैसे हैं, इधर आपको जगह जगह नजर आएंगी आते जाते। और ये देखें सारा ये नीचे का एरिया,
पसंद आ रही है कहो। ये भी एक व्यूवर्स नहाने का पॉइंट है, ये देख रहे हैं। पानी तो साफ नहीं है, गंदा ही है, लेकिन लोग नहाते हैं यहाँ पे। ये देखें इस साइड से भी, ये करंग शायद इसको करंग टाइप बोलते हैं कोई। ये देखें, ये है रोड, जबरदस्त है। यहाँ से रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट है रोड।
रिवर यहाँ से ख़त्म होती है कोठी सतिया की हदूद। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, तो ये थी आज की वीडियो। आज आपको मैंने वहाँ से लेके चश्मे से यहाँ तक कंप्लीट बाइक ड्राइव भी दिखाई है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैंने बताया है, जगह तो बहुत प्यारी बनी हुई है, ये नहीं कि जगह नहीं सही, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बने, लेकिन ये लोग मुझे नहीं लगता कि इसको मरी की तरह वही बनाना चाह रहे हैं। और बाकायदा वो जो चश्मे हैं उसके ऊपर एक प्राइवेट होटल ने कब्ज़ा किया हुआ है, मेरी जो समझ में आता है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये चीज़ समझ रहा है तो वो देखे, क्योंकि उन्होंने सीढ़ियाँ अपने से निकाली हैं, वो फॉरेस्ट के अंडर आती है वो सड़क, और वो जिसने भी गुजरना है वो पर्ची दिए बगैर उसमें जा ही नहीं सकता। यानी जो बंदा पार्किंग नहीं देगा वो बाहर बाइक खड़ेगा, गाड़ी खड़ी करेगा, अंदर नीचे नहीं जा सकेगा जब तक उन्हें पैसे नहीं देगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। अल्लाह।